अब ये भगवा धारी गुंडे नंगे हो चुके हैं, अब इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं है। गुंडे है ना वो हमेशा तड़ी पार चैन तोड़ था, ये पहले गुजरात में चैने तोड़ा करता था औरतों की। श्री राम करके रेलवे बेच दी, श्री राम करके एयरपोर्ट बेच दिए, श्री राम करके ये काले कानून बना दिए। 28 मुकदमे लगे थे इस भगवा धारी पे, जे राम नाम लेके देश को गुमराह करता गुंडा आदित्यनाथ योगी। सरकार कह रही थी ना गुंडागर्दी दिखा रही थी, तो हमने अभी कहा हम दिल्ली में आएंगे, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। न्यायपालिका की चीफ जस्टिस ऑफ भोबड़े की ये भी संगी है, दुर्भाग्य हमारा। और हम कह रहे हैं कि बिल वापस लेने के लिए दामोदर दास मोदी जी भी ऊपर से आएंगे कि बेटा बिल वापस ले ले, किसान बैठे हैं, ज्यादा माहौल मत बिगाड़े। ये 56 इंच की जाती है, अब औरतों से लड़ेगा, औरतों से लड़ेगा। राजनीति करना, राजनीति कर ममता जी से, लेकिन तू गुंडे ही कर रहा है ममता दीदी से। अम्बानी जी सुन लेना, अडानी जी ये मत समझना आप पैसे वाले हो, गरीब नहीं बनोगे, अच्छे अच्छे राजा रंग बन गए, अब तुम्हारा भी नंबर है, देख लेना, पहले बता दिए मैंने। किसान आंदोलन को 2 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं, 61वां दिन है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और जायजा लेने आए हैं हालात का कि कल 26 जनवरी से पहले बॉर्डर पर क्या माहौल है। चारों तरफ कैमरा अगर घुमाकर देखेंगे तो भीड़ जो है वो बढ़ गई है और ट्रैक्टर जो है वो भी काफी संख्या में आ गए हैं। लोगों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है, एक जोश देखने को मिल रहा है। 26 जनवरी की जो परेड की कहानी हम बहुत दिनों से सुन रहे थे, कल जाकर वो पूरी हो जाएगी। इजाजत मिल चुकी है, रूट भी तय हो चुका है। क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, कल आप लोग परेड करेंगे? इतने दिन से इजाजत लेने पे तुले थे, आज मिल गई है इजाजत। नरेंद्र मोदी जी को फील होना चाहिए, कह रहे थे 100-200 आदमी हैं किसान आंदोलन में, खरीद के लाए गए हैं, ठीक है। अब डीजल भी पाबंद करवाते हैं, पता नहीं तरह तरह से तमाम तरीकों अपनाए कि आंदोलन को तोड़ दिया जाए। आज आपके माध्यम से देख लेंगे कि कितने आदमी हैं। और जो एक बॉर्डर है गाजीपुर बॉर्डर, सारे बॉर्डर ऐसे ही स्थिति में है जैसे आज गाजीपुर बॉर्डर है। तो नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया कि किसान है। और रहा कल 26 जनवरी के पर्व की बात, 26 जनवरी का पर्व बड़े शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय संस्कृति के तहत मनाया जाएगा और आराम से शांतिपूर्वक तरीके से हमारी झांकियां निकलेंगी, हमारे ट्रैक्टर रैली में जाएंगे। बहुत सारी तैयारियां, वो तो बड़े नेता बताएंगे कि क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि 73 साल में कभी भी विदेश का इतना मीडिया 26 जनवरी को फॉलो करने नहीं आया होगा, जो इन किसानों की धमक विदेश तक में सुनाई दे रही है। और ये दिल्ली में बैठा 18 घंटे काम करने वाला चौकीदार नहीं देख पा रहा है, चौकीदार नहीं देख पा रहा है धमक। अब विदेशी मीडिया भी आ गई है, अभी धमक नहीं सुनाई दे रही है, अहंकार में है कि बिल वापस नहीं लेंगे। और हम कह रहे हैं कि बिल वापस लेने के लिए दामोदर दास मोदी जी भी ऊपर से आएंगे कि बेटा बिल वापस ले ले, किसान बैठे हैं, ज्यादा माहौल मत बिगाड़े। अच्छा, परेड तो कल हो जाएगी आप लोगों की, परेड के बाद क्या परिणाम, क्या फायदे होंगे आप लोगों के, क्या सरकार तो मना? हम यहाँ पे किसी फायदे के लिए नहीं आए, अपना केवल अधिकार प्राप्त करने आए हैं। हमारे जो ये सरकार ने अम्बानी अडानी के कानून बना के भेज दिए है ना, अपने बलपूर्वक बहुमत का दुरुपयोग करके गुंडागर्दी से राज्यसभा में, ठीक है, तो इन काले कानूनों को वापस कराने आए हम और MSP पे कानून बनवाने आए हैं। जब इतना हो जाएगा तो किसान जीत है, अन्यथा ये रैली वगैरह तो सरकार कह रही थी ना गुंडागर्दी दिखा रही थी, तो हमने अभी कहा हम दिल्ली में आएंगे, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो ये पहली सरकार की हार है कि हम दिल्ली में जा रहे हैं और रैली कर रहे हैं, क्योंकि हमें आतंकवादी खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या इन दो कौड़ी के लोगों ने, जो भगवा धारण करके राम के नाम पे जिन्होंने देश बेचा है, इन लोगों ने तमाम तरह से किसान के मान सम्मान और स्वाभिमान को खराब किया, हमारे बड़े बुजुर्गों का अपमान किया। तो उस ये वजह है कि हमने रैली का ऐलान किया और इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, उसके बावजूद अब हम रैली में जा रहे हैं, इनने ही परमिशन दी है। जो लोग कहते थे मोदी बड़ा तानाशाह है, पीछे नहीं आएगा, पीछे भी हटा दिया और आगे आने वाले वक्त में ये बिल भी वापस लेगा, पूरा देश देखेगा, दुनिया देखेगी। अगर है ही नहीं, अगर तो मीडिया लगा सकती है, और ये लोग जो जुमलेबाज हैं मोदी की टीम में, ये अगर मगर कर सकते हैं। एक ही बात है, पहले 26 तारीख से लेके आज तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। MSP पे कानून बनवा के जाएंगे, हमारा तो शुरू से एक ही नारा है, जय जवान जय किसान। माहौल आपको नहीं लग रहा कि बहुत टकराव वाला और बिगड़ता हुआ माहौल, मतलब इतना? नहीं नहीं, कोई टकराव वाला माहौल नहीं है, ये तो मीडिया है, जो मोदी का मीडिया है गलत तरीके से देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। किसान बैठा है, यहाँ कहाँ टकराव का माहौल है?
इतना बड़ा मेला है, इतने मेले में सब लोग अच्छे से खा पी रहे हैं, बड़े प्यार से घूम रहे हैं, आप भी हैं यहाँ पे, आपको लगता है कोई टकराव का माहौल है? आप तो कोई बदतमीजी करता है क्या? कोई टकराव का माहौल नहीं है। बेकार में किसान बिरादरी को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं गुंडे। गुंडे है ना वो अमित शाह, तड़ी पार चैन तोड़ था ये, पहले गुजरात में चैने तोड़ा करता था औरतों की। आप तो जानती हैं लोकतंत्र में वोट मिल गया, बहुमत आ गया, अब ये पार्टी का कर्तव्य होता है कि किस चरित्र के व्यक्ति को पदों पर बैठाना है। जब गुंडों की पार्टी है तो गुंडे ही बैठेंगे। आज तक आप बताइए कोई गृहमंत्री इस तरह का रहा हो, या आज तक बताइए कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा हो जो झूठ बोलता हो अपनी जनता से? 6 साल में इसका एक सच बता दे पूरा देश में, पूरे 150 करोड़ नागरिकों को मेरा चैलेंज है। कोई विकास नहीं, क्या विकास है बताओ? भुखमरी फैल गई विकास बता रही हैं आप, बेरोजगारी फैल गई विकास बता रही हैं आप, हम भुखमरी में पाकिस्तान से नीचे, बांग्लादेश से नीचे, विकास है जी? अरे जुमलेबाजी है, इसके शब्दों में विकास है। आसाराम बापू का चेला है, आसाराम बापू का चेला है। श्री राम करके रेलवे बेच दी, श्री राम करके एयरपोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, श्री राम करके ये काले कानून बना दिए, श्री राम करके बेटी बेटी शादी नहीं कर सकती अपनी इच्छा से, ऐसे कानून बनाते हैं। इनकी बातों पे भरोसा करना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना और अपने देश के साथ गद्दारी करना। लेकिन यूपी में कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर जीतेंगे 2022। बैलेट पेपर पे चुनाव करवा ले वार्ड मेंबरी का गोरखपुर में ही, अगर जीत जाए, अगर जीत जाए तो बात करना आप, बैलेट पेपर पे करा ले, लेकिन गोरखपुर में करा ले जहाँ जे रहता है। इनका इतिहास सब जान चुके हैं, अब ये भगवादारी गुंडे नंगे हो चुके हैं, अब इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं है। अब ये बस वो चाहते हैं कि अपना मुंह कैसे छुपाएं, हाँ अब वो ही काम कर रहे हैं जी। हो सकता है कल रैली में, इनका इतिहास रहा है, कभी 59 कार सेवक जला देते हैं, कभी गोधरा में दंगा करा देते हैं, कभी दिल्ली में दंगे करा देते हैं। हो सकता है हमारी रैली में भी इनके गुंडे खाकी वर्दी पहन के घूमते हैं, क्योंकि आजकल गुंडे हैं सत्ता में, केंद्रीय मंत्री अमित शाह तड़ी पार, तो अब क्या है संगी है ना, वर्दी में घूमते हैं, वर्दी में, तो ये किसी भी तरह से किसानों की रैली को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा करने पर भी इन्हें इसका प्रणाम जनता ही देगी अभी आगे आने वाले सभी चुनावों में। देश बेवकूफ़ नहीं है कि तुम आए जय श्री राम करा, बेवकूफ़ बनाए निकल गए। आज देश समझदार है और देश इनको समझ चुका है, अब इनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। कल 26 जनवरी पे अगर इन्हें बोलने का मौका मिला बोलेंगे, इनकी आदत है बोलने का, 18 घंटे प्रैक्टिस करते हैं क्या बोलना है, और कोई काम नहीं करता जी आदमी मोदी, ठीक है। कल जो भी बोलेगा टोटल झूठ बोलेगा, ये नहीं बताएगा कि हमने कितने बेरोजगार कर दिए, 17 करोड़ लोगों से नौकरी छीन ली साहब ने, पेंशनें काट दी, भुखमरी में आ गए, कोई देश की वास्तविक स्थिति की बात नहीं करेगा, श्री राम और बता देगा जुमलेबाजी। इसे जो भी सुनता है वो परम बेवकूफ़ है पूरे भारत में। लोग वोट दे देते हैं, नहीं ईवीएम वोट दे रहा है, इसे वोट कोई नहीं दे रहा, वोट दे रहा है। अगर ये आज गुजरात में जेबी पीएमबी अगर वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ ले, गुजरात में जेबी नहीं जीतेगा। पूरे भारत में एक राज्य गुलाम है, वो है गुजरात। लेकिन अभी सर्वे हुआ है इंडिया टुडे के हवाले से, कहा है कि लोकप्रिय पीएम अभी भी, अरे भैया इन्होंने सब कुछ खरीद लिया, जब WHO खरीद सकते हैं, अमेरिका में अपने लोगों को भेज सकते हैं, बाइडेन अभी बने राष्ट्रपति, सारे RSS और BJP के बाहर भगा दिए, ऐसा देश में भी करना पड़ेगा। RSS और भाजपा के लोगों को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। अगर आपको बहन बेटी और देश सुरक्षित चाहिए तो जो बाइडेन ने किया है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अन्यथा अब देश कैसे हाथों में है पूरा देश जानता है। पुलवामा में भी हमला अर्नब के चैट ने खोली दिया है, अर्नब को जमानत है, बाकी पत्रकार के देश के नहीं है, है? इसके खिलाफ जज लोया के हत्यारे को आज तक ना NIA ढूंढ पाई ना CBI ढूंढ पाई, क्यों, क्या मजबूरी है? जज लोया अपने परिवार का ही नहीं था, वो न्यायपालिका का जज था, तो एक जिम्मेदारी बनती है देश की, न्यायपालिका की चीफ जस्टिस ऑफ भोबड़े की, ये भी संघी है, दुर्भाग्य हमारा, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संघी है, ठीक है। जज लोया को न्याय नहीं मिला, ना NIA काम कर रही ना CBI, किसानों को सम्मन भेज रहे हैं, किसान भी आतंकवादी हो गए क्या? और संसद में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बैठी है, जे NIA वालों की CBI वालों की बुआ है, जे बुआ है, हाँ बुआ है ना, अदालत ने फेंक दी थी जब इन्हें क्लीन चिट दी थी, अदालत ने वो क्लीन चिट वाली NIA की फाइल फेंक दी थी NIA की अदालत ने, ठीक है। मीडिया गुमराह कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, मीडिया गुमराह कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। आज अगर सोशल मीडिया ना होता
यूट्यूब ना होते तो क्या किसानों के आंदोलन की विदेश में मालूम पड़ पाती है? यही भाजपा ही यहाँ कान और आंख बंद करे बैठे हैं। बाकी पूरी दुनिया ने देख लिया कि देश में भारत में किसान आंदोलन कर रहा है दिल्ली के चार ओर बैठ के। ये दुर्भाग्य हमारे देश का, समझना चाहिए आज इन्हें सत्ता में बैठे गद्दारों को कि इन्होंने किस प्रकार से देश बेचा और अब हमें कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, यूपी में जिस तरीके से सख्ती हो रही है, एक तरफ आपको इजाजत दे दी गई, दूसरी तरफ आपके ट्रैक्टरों में डीजल नहीं डालने दिया जा रहा है, मना कर दिया गया और नाकाबंदी कर दी गई है, रास्ते बंद कर दिए। 28 मुकदमे लगे थे इस भगवा दारी पे, जो राम नाम लेके देश को गुमराह करता गुंडा आदित्यनाथ योगी, ये गुंडा है गुंडा। अब वो सत्ता में बैठा है, गुंडागर्दी कर रहा है। आज अगर पढ़े लिखे लोग इस गुंडई के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आगे आने वाले दिनों में अपनी बच्चियों को भी नहीं सुरक्षित करा पाएंगे। जय जय उत्तर प्रदेश की जनता, जो गुजरात की तरह गुलाम बनाई जा रही है। आज 25 करोड़ नागरिक है उत्तर प्रदेश में, इन्हें आंखें खोल लेनी चाहिए कि राम के नाम पे गुंडे आ गए सत्ता में। धर्म के नाम पे इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि आप न्याय भूल जाओ, आप सच भूल जाओ, इतना धर्म के नाम पे गुमराह मत हो। हाँ, मैं भी राजपूत हूँ, राम मेरे दिल में बसते हैं। अब राम के नाम की फोटो लगा के भीख तो मैं नहीं मांग सकता भाई। चंदे के नाम पे भीख मांग रहे हैं, चंदे के नाम पे प्रधानमंत्री केयर फंड में चंदा दिया था, आज तक उसकी कोई पढ़ा लिखी है? ये बेकारी 4 लाख रुपए के कपड़े बदलता है, किसानों से कह रहा है जीन्स कैसे पहन ली, देखो तो सही, ये कहता था मैं चाय बेचता था। 8,500 करोड़ के विमान में घूम रहा है ये बेकारी। प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम से इसने चंदा लिया, अब ऐसे ही राम मंदिर के नाम से चंदा ले रहा। चंदा देने वाले बेवकूफ है तो मैं क्या करूं? जबरदस्ती चंदा लिया जा रहा है, अरे गुंडई की जा रही है। आज अगर नहीं जागेगा आदमी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान कर रहा है भारत का नागरिक चंदा दे के, ये बात याद रख लेना। यूपी में किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया है, 100 किसान नेता। भाई गुंडे को चुनोगे राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, कल बेटियां उठा ली जाएंगी, क्या कर लोगे? गुंडा कर दियो, क्या कर लोगे? आज घर में कैद कर दिया, कल तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे तो क्या कर लोगे? या हो नहीं रहा, निकिता तोमर को गोली मार दी और वाल्मीकि समाज की बेटी थी उसका सब जला दिया इस गुंडे की पुलिस ने, आदित्यनाथ योगी की ने, क्या कर लिया है? वाल्मीकि पता समाज कौन है? जिनने सीता को जगह दी थी जब राम ने उनको घर से निकाल दिया था, परीक्षा ली, सीता को घर से बाहर निकाला, कोई सीता माता को आश्रय देने वाला नहीं था, तब वाल्मीकि जी ने आश्रय दिया था अपनी कुटिया में जहाँ लव और कुश ने जन्म लिया। आज उस समाज की बेटी को जला दिया जाता है, जो अपने बाप की चिता में नहीं गया वो क्या समझेगा, क्या समझेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? इतने तो गुंडे हैं ये लोग। ये मोदी का नया इंडिया है? मोदी का इंडिया नहीं है, मोदी है कौन है, किसका, इस भिखारी का इंडिया बनेगा? वो तो देश को गुमराह करके पीएम बन गया है, अभी आगे आने वाले दिनों में देखना भीख मांगते ही मिलेगा। इसके साथ में अंबानी और अडानी भी, मोदी ने जिसके ऊपर हाथ रखा है सुहाई हो गया है, चाहे कोई हो, अडवाणी से लेके पूरी भाजपा देख लो, अरुण जेटली निकल लिए, सुषमा स्वराज जी निकल ली, अब तोमर के और राजनाथ के दिन और रह गए, ये भी निकल लेंगे धीरे धीरे करके। स्लो पॉइजन देते हैं ना, स्लो पॉइजन से मारते हैं ये लोग, जैसे जे कोरोना आया था हमारे देश में ऐसे ही मार देते हैं लोगों को। अब अंबानी अडानी के ऊपर हाथ रख दिया, अब ये भी जाने वाले हैं। देखो राजा विक्रमादित्य जैसे लोगों ने तेली के घर में कोल्हू चलाया है, अंबानी जी सुन लेना, अडानी जी जी मत समझना आप पैसे वाले हो, गरीब नहीं बनोगे, अच्छे अच्छे राजा रंग बन गए, अब तुम्हारा भी नंबर है, देख लेना, पहले बता दिए मैंने। बंगाल में आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी आएगी बंगाल में, कौन? अरे सपने तो देखते रहो, कोई बात नहीं है, बंगाल का सिस्टम है ना इनके अधीन नहीं है, गुलाम नहीं है, बंगाल का सिस्टम अमेरिका की तरह डटा हुआ है अपने राज्य को बचाने के लिए, और बंगाली सपने नहीं देखते। काली माता का प्रदेश है और एक सती चुनाव लड़ रही है, सती के सामने है गुंडे, ममता बनर्जी है सती, उनका ना कोई आदमी ना कुछ, वो सती माता है एक प्रकार से, उन पे आरोप लगाओगे पाप पड़ेगा, सीधी बात है। अब धर्म के नाम पे ये गुंडे एक औरत पे हमला कर रहे हैं, ये 56 इंच की जाति है, ये 56 इंच की जाति है, अब औरतों से लड़ेगा, राजनीति कर ममता जी से, लेकिन तू गुंडे ही कर रहा है ममता दीदी से, जवाब मिलेगा, क्यों परेशान हो? बंगाल में चुनाव होने दो, एक तरफा हारेगी भाजपा, 1-2 सीट लिया है बहुत बड़ी बात है, भगवान की दुआ से सारे लोगों की जमानत जब्त ना हो बंगाल में, आप बात कर लेना हमसे, बंगाल बेवकूफ नहीं है,
याद रख लेना उत्तर प्रदेश की तरह। तो ये 26 जनवरी का सुना आपने, किस तरीके से किसानों की तैयारी है और हर जगह जो है अब किसानों की तादाद बढ़ती गई है और ट्रैक्टर भी जो है वो आ गए हैं। नीचे अभी हमने तो देखा तो पूरा ट्रैक्टरों से जाम है और अलग अलग किस्म के ट्रैक्टर आए हैं। कल परेड पर सबकी नजरें होंगी, कल 26 जनवरी पर किसान और जवान साथ परेड करेंगे, सबकी नजरें होंगी उस पर। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।